चिकन खाती हैं आप? बहुत शौक से। बहुत शौक से। से बहुत खाती हैं हम लोग भी सब सारी शौक से खाते हैं लेकिन क्या करें मजबूरी है अब बीफ वगैरह भी चले जाता होगा मटन वगैरह भी आ, सारी चीज़ें। देखिए प्रोटीन था। था। तो बड़ा जरूरी है इनटेक लेकिन जैसे कि वक्तन फवकता आपको पता चलता रहता है कि ये जब इनकी मास प्रोडक्शन होती है तो उसमें कितने जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं तो पोल्ट्री बुरा है बीफ बुरा है मटन बुरा है ठीक है इनके चारों में क्या क्या हाँ ये सारी चीजें ठीक है ठीक yeah. है right. तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि भाई मछली सबसे ज्यादा सेफ फूड है, yes, exactly. है मैं भी गलत समझता था और आप भी गलत समझ रही है क्योंकि हम समेत मुझ समेत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट फेंकती है ना समंदर में उससे मेरी और आपकी ये जो बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये भी ख़राब होता जा रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना चार सौ बहत्तर मिलियन गैलन का सनती और म्यूनसिपल फजला जो है वो कराची के समंदर में बरह रास्त बगैर ट्रीटमेंट के जो है वो फेंका जाता है अब इसके जो गुजरगाहें हैं कोरंगी नदी से मलिन नदी से ये गुजर के जाता है तो अब हमारी ये जो मछली है कितनी ज़्यादा मुजर सेहत हो गई हमारे लिए इस पर आज हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है नवेद सुमरू साहब जो कि मैनेजर प्रोग्राम सिंध है सी पाकिस्तान के तो नवेद साहब अलमैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तो नवेद साहब इसका मतलब मछली भी ना खाएं हम कितनी ज़्यादा जहरीली हो जाती है मछली जब हम समंदर में बगैर ट्रीट ट्रीटमेंट का ये सारा फजला फेंकते हैं बिल्कुल देखें एक ये इशू एग्जिस्ट तो करता है और आपने सही कहा कि हम बहुत सारे पॉलिटनस जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं समंदर में अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट है या एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं मगर मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि मैं पहले आ, ये बात ज़रूर बोलूँ बोल पे कि देखें स्टिल हमें आ, जो सी फूड है उसकी कंजप्शन को इनक्रेज करना चाहिए उसका एक रीज़न ये भी है कि हम एक कोस्टल सिटी है मगर हम अगर, अगर अपनी कंजप्शन देखें तो बहुत कम है हमारी तो जैसे आपने कहा कि प्रोटीन का ये सबसे बेहतरीन सोर्स है दुनिया में आ, जो है वो जो टोटल हमारा फूड सोर्स है उसका 17 परसेंट जो है वो सी फूड कंट्रीब्यूट कर रहा है मगर अनफॉर्चुनेटली कराची की अगर हम फूड के लिहाज से पहचान रखें तो वो कभी भी सी फूड के तौर पे नहीं आ, हम डिस्कस कर रहे होते तो पहले तो इश्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं नहीं चाहूँगा कि ये इम्प्रेशन आए कि हम डिस्करेज कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं आपने बहुत सारा बहुत सारी सोर्सेज बताए इसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में लें तो माइक्रो प्लास्टिक्स की आपने बात की अब देखें जो टिनी पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के हमारे हर तरफ प्लास्टिक है और वो अल्टीमेटली वो कहाँ जा रही है समंदर में ही जा रही है अगर हमारे जो वाटर फ्लोज हैं रिवर्स हैं इवन जो इरीगेशन सिस्टम है अल्टीमेटली वो भी आगे जो प्लास्टिक को कैरी करते हुए समंदर में ही अल्टीमेटली हम डाल रहे हैं कराची का एक बहुत बड़ा प्रेशर है ऑलॉन् द कोस्ट हमारे और भी बर्न पॉकेट्स हैं छोटे टाउन्स हैं तो वहाँ से भी ये वेस्ट जा रहा है तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो स्टडीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे जो फिश है या और जो हमारी लाइफ है सी लाइफ है उसकी बॉडीज़ में अकूमलेट हो रहे हैं और फिर प्लास्टिक अगेन टॉक्सिक केमिकल से ही बनती है तो वो फिर टॉक्सिक केमिकल्स वहाँ पे उनकी बॉडी को या उनकी जो न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही हज़रियस है अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि थ्रू आउट एक तो देखें हमारे अर्बन पॉकेट्स अगर कराची की बात करते हैं तो एक तो है जो नीयर बाई वाटर्स हैं हमारे जिसको हम कोस्टल वाटर्स कहते हैं वहाँ पर इस इस तरह की पॉल्यूशन कंसनट्रेट है तो वहाँ की जो आ, फिश कैच है वो ओबियसली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और जिसको हम अनसेफ कह सकते हैं मगर थ्रू आउट द कोस्ट हमारा बहुत बड़ा कोस्ट बलूचिस्तान में है जो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है तो वहाँ पर इवन कोस्टल फिशरीज़ की जो जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं डीप वाटर्स में जाते हैं फार वाटर्स में जाते हैं तो ये पॉल्यूशन डाइल्यूट होती है तो उसका इम्पेक्ट भी ऑब्वियसली इतना नहीं होता तो अभी भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली रिलेटिवली अगर हम चिकन की बात करते हैं या जो दूसरे मीट सोर्सेज हैं उनके मुकाबले में उनके कंपैरिजन में अभी भी एक अच्छा सोर्स है बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए जो हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए और मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि एक कोस्टल सिटी यस में क्यों हमारा सी फूड इतना कम कंज्यूम एग्जैक्टली होता होता exactly. अच्छा नवी सर ये बताएं कि क्या क्या केमिकल जा रहा है और कितना हैजर्डस ये केमिकल है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज जो फेंक रही हैं समंदर में जी एक तो हमने प्लास्टिक की बात की माइक्रो की बात की इवन जो बाकी जो यानी कि पार्टिकल जो बिगर पार्टिकल्स हैं जो बिगर साइज प्लास्टिक जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है आ, कुछ ऐसे जो है वो मरीन मैमल्स हैं जो उसको भी कंज्यूम करते हैं जेली फिश समझ के जैसे हमारा सी टर्टल टर्टल मर जाते हैं तो सी टर्टल जब मरेगा तो अल्टीमेटली पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और वो आपका इम्पेक्ट आज नहीं तो कल उस टर्टल के मरने का हमारे फिश पे भी आएगा तो एक तो ये सोर्स ठीक है, है। दूसरा जो सोर्स है वो आपकी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स है अब यहाँ पे हमारे कंट्री में ज़रूर गवर्नेंस इश्यूज हैं इंडस्ट्रीज है के लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं कि जो जो एस आर डी जो पॉल्यूटेंट्स या जो एफिलेंट्स हैं वो जो रिलीज करते हैं तो इनको पहले ट्रीट करने होते हैं और, होते हैं और ऐसा कुछ भी, और, भी नहीं है। जी कोई ऐसा बहुत कम है बहुत कम है। वो स्ट्रेट अवे हमारे पानी में जा रहा है कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसमें देखें आ, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड है हमारी बहुत सारी जो तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हैं तो वो केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा एजर्डियस हैं जो आ, ना सिर्फ आपकी फ़िश पापुलेशन को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं मगर थ्रो आउट पूरे पूरे इकोसिस्टम को जो है वो कहें हैं उनका इम्पेक्ट फिर मैंग्रोव पे आता है जब हम फिश की बात करें तो मैंग्रोव की बात करना भी इत लाजमी है मैंग्रोव उनके ब्रीडिंग ग्राउंड हैं आप अगर मैंग्रोव को हटा देंगे ऐसे ही है जैसे हमारा घर जी तो हम उनके उन ग्राउंड्स को अगर ख़त्म कर रहे हैं वो इन केमिकल्स के वजह से भी हो रहे हैं सिर्फ कटिंग एक रीज़न नहीं ओ, है दे, दे, जी हाँ। अच्छा ये मैंग्रोव क्योंकि बिल्कुल एक अलग अलहदा टॉपिक है तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग और इस पर आगे चल के ज़रूर हम बात करेंगे लेकिन खातिन हजरात आपने देख लिया कि हम अपने ही तबाही के जिम्मेदार कितने ज़्यादा हैं और अगर हम ही अपना घर का वेस्ट अपना म्यूनिस्पल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर उसको ट्रीट करके नई समंदर में फिर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो अपनी तबाही का सामान खुद हैं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रहना जाए